जे असी भगति जाने परी हरही, केवल ज्ञान है तू श्रम करही। ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकु फिरही पैलागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं, केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वह मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेन को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगे सी हरी भक्ति बिहाई, जय सुख चाहे आन उपाय। ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहे जोड़ करनी। हे पंछीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों में से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले बिना ही जहाज के तैरकर महा समुद्र को पार जाना चाहते हैं। सुनी भुसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हरि से मृदे बानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। हे भवानी, भुसुंड जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और कुछ भी नहीं रह गया। सुनो पुनीत राम गुने ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही, कहो जाए कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए। कहै संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सने कहो गोसाई, नहीं आदर हूँ भगति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु अपने भक्ति के समान आपका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर गारी बचन सुख माना, सादर बोले ओ काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कुछ वेदा, उभय हरई सब संभव खेदा। नाथ मुनि से कहे कछु अंतरे, सावधान सौ सुन विहंग वर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार में उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पंची श्रेष्ठ उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भाति, अबला अबल सहज जड़े जाति। बड़े हरिवान सुनिए, ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है, अबला स्वाभाविक ही निर्बल और जात से ही जड़ होती है। पुरुष त्यागी सके न रही जो विरक्ति मति धीर, ना तू कामी विषया बश विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग करते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञाने निदान मृग नैनी विदु मुख निरखी, बिबसी होए हरि जानि नारे विष्णु माया प्रगट। वह ज्ञान के भंडार मुनि
भी मृगनयनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। या न पच्छे पाते कछु राखौ, वेद पुराणे संते मन्ते भाषौ, मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नेगारी आरीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीत है कि एक स्त्री के रूप में दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जान सब को, पुनि रघुवीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर तकी विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, या सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर की भक्ति प्यारी है, माया बिचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। भगत ही सानुकूल रघु राया, ताते ते ही डरे पति अति माया, राम भगत निरूपम निरुपाधि, बसई जासूर सदा भादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्त सदा बिना किसी बाधा के बसती है। ते बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई, असी बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचई भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वो अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार करी जो विज्ञानी मुनि है, वे भी सब सुखों की खान भक्ति को ही याचना करते हैं। या रहस्य रघुनाथ करे बेगिन जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोह ना होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति करे भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा विचीन। हे सचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति की ओर भेद सुनिए, जिसमें सुनने से ही राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है।